हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चांस ऑफ मैन का एपिसोड 16। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो 16th एपिसोड का पार्ट 2, हमें दिखाया जाता है कि डेंजी एक गेट के सामने खड़ा होता है और वो देखता रहता है। डेंजी कहता है कि ये वही सपना है जो मुझे हमेशा आता है, वही सपना जो मुझे हमेशा आता है और मैं हमेशा भूल जाता हूँ, क्या बात है। और दरवाजे के अंदर से आवाज़ आती है, डेंजी। तो डेंजी कहता है कि पोचिता, क्या ये तुम्ही हो? तुम बाहर आओ ना, मुझे सपने में तो तुम्हारे साथ खेलने दो। तभी अंदर से आवाज़ आती है कि इस दरवाजे के पास मत आना, चाहे कुछ भी हो। तभी डेंजी की नींद टूटती है, वो सपना देख रहा होता है। उसके पास हायाकावा और पावर भी सो रहे होते हैं। डेंजी नींद से घबरा कर उठता है। पावर भी उठती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? और डेंजी कहता है कि मुझे एक बहुत बुरा सपना आया था। डेंजी पावर को देखता है और पावर के सिर से 2 सिंग और निकले हुए होते हैं। डेंजी कहता है कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ लगता है। पावर कहती है कि चुप करो आधे सोए हुए आदमी, और एक पंच मारती है। तो डेंजी गिर जाता है। पावर कहती है कि देखा कितना शक्ति है। और डेंजी कहता है कि ये एक सपना नहीं है। अगले दिन माकिमा कहती है कि पावर ने बहुत ज़्यादा ही ब्लड पी लिया है, जिससे पावर के 2 सिंग और निकल गए हैं। तुमने बहुत ज़्यादा ही ब्लड पी लिया है जोम्बियों से लड़ते वक्त, पावर को ब्लड ड्रेन करना होगा। तो पावर कहती है कि हाँ माकिमा। पावर डरी हुई होती है। डेंजी कहता है कि ब्लड ड्रेन? माकिमा कहती है कि जब पावर की ब्लड ज़्यादा हो जाती है तब उसे निकालना पड़ता है, अगर इसे नहीं निकाला गया तो पावर पहले से ज़्यादा डरावनी और भयानक हो जाएगी जितनी वो अभी है। माकिमा कहती है कि क्या मैं पावर को तुमसे कुछ दिनों के लिए अलग कर सकती हूँ? तो डेंजी कहता है कि ये पूरी तरह से आपकी। माकिमा कहती है कि तुम्हें एक साथी चाहिए होगा जब तक पावर तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मैं तुमसे किसी को मिलवाना चाहती हूँ। इसने कहा है कि ये तुम्हारे साथ आना चाहता है। तभी वहाँ पर शार्क आ जाता है, यानी कि शार्क फिंड। वो डेंजी को आकर गले लगा लेता है और कहता है कि मेरे चांस आओ। डेंजी से वो गले मिल लेता है। उसे डेंजी एक पंच मारता है। माकिमा से कहता है कि इसकी दिक्कत क्या है। उसके बाद माकिमा कहती है कि ये एक शार्क फिंड है, ये ज़्यादातर बहुत खूंखार रहता है और जल्दी किसी से बात नहीं करता। वो उससे मिलता है और उसे बात करता है। उसके बाद माकिमा कहती है कि ये वो सब करेगा जो तुम कहोगे। तो डेंजी कहता है कुछ भी, पर क्यों? माकिमा कहती है कि ये नहीं बता सकती, हो सकता है कि तुम किसी के जैसे लगते होगे, इसलिए ये तुमसे ऐसे बिहेव कर रहा है। अब वो डेंजी को कहता है मेरे चांस ऑफ बार बार। तो डेंजी कहता है कि मैं उस तरह का नहीं हूँ। माकिमा उस समय डेंजी से कहती है कि तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। तो डेंजी कहता है मैं ऐसे ही रहता हूँ, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इस बात को जानकर माकिमा कहती है कि कल हम सभी लोगों का छुट्टी है, डेंजी क्या तुम मेरे साथ कल डेट पर जाना चाहोगे? तो डेंजी कहता है डेट? उसके बाद सीन में दिखाया जाता है कि डेंजी सिनेमा हॉल के बाहर नाच रहा होता है। डेंजी को आवाज़ आती है कि तुम अभी से यही हो, अभी 1 घंटा बाकी है। तो आवाज़ सुनने के बाद डेंजी पीछे घूमता है और देखता है कि माकिमा सिविल ड्रेस में है। डेंजी उसकी सुंदरता को देखकर खुश हो जाता है। माकिमा कहती है कि तुम यहाँ कब आए? डेंजी कहता है कि कल मैं सोया ही नहीं, मैं रात भर जागता रहा, मैं यहाँ पर 5 बजे से हूँ आया हूँ। डेंजी कहता है कि आज का हमारा क्या प्लान है? आज से पहले मैं किसी लड़की के साथ घूमने नहीं गया हूँ। तो माकिमा कहती है कि अभी से रात तक हम शायद मूवीज देखेंगे। वो फिर मूवी देखने जाते हैं। डेंजी को पसंद नहीं आता है। डेंजी देखता है कि सब हंस रहे होते हैं, डेंजी को हंसी नहीं आती है। वो देखता है कि माकिमा को भी हंसी नहीं आता है। वो फिर कॉफ़ी पीने आते हैं। डेंजी कहता है कि मूवी अच्छा था। तो माकिमा कहती है कि मूवी इंटरेस्टिंग नहीं था, हाँ वो बहुत अच्छा दिख रहा था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। वो फिर दूसरी मूवी के लिए जाते हैं। डेंजी देखता है कि सब रो रहे होते हैं। वो देखता है कि माकिमा नहीं रो रही होती है। वो सोचता है कि ह्यूमंस बहुत अजीब हैं। वो फिर कॉफ़ी पीने आते हैं। डेंजी कहता है कि मूवी अच्छी थी। तो माकिमा कहती है कि मुझे वो पसंद नहीं आया। उसके बाद माकिमा कहती है मूवी का म्यूजिक अच्छा था, मूवी का कहानी अच्छा था। माकिमा कहती है कि मुझे मूवी पसंद नहीं आया।
वो फिर एक और मूवी देखने जाते हैं। माकिमा कहती है कि ये मूवी लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे ये पसंद है, क्या ये तुम देखना चाहोगे? तो डिंजी कहता है कि मुझे कोई भी मूवी पसंद नहीं आ रही, मुझे लगता है कि मुझे मूवी देखने का आदत नहीं है। बाकी मैं कहती है कि मुझे 10 में से एक मूवी पसंद आता है और मुझे अच्छा लगता है। वो फिर मूवी देखने जाते हैं। डिंजी को रोना आता है, वो देखता है कि माकिमा के सामने मैं नहीं रोऊं। वो देखता है तो माकिमा रोती रहती है। वो सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं। डिंजी कहता है कि लास्ट सीन बहुत अच्छा था, मुझे हमेशा याद रहेगा वो मूवी का सीन। तो माकिमा कहते हैं कि हाँ मुझे भी मूवी अच्छा था। डिंजी कहता है कि माकिमा क्या मेरे पास एक डील है? तो माकिमा पूछती है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? डिंजी कहता है बस ऐसे ही। माकिमा अपना कान डिंजी के छाती से लगाती है। माकिमा कहती है कि हाँ तुम्हारे पास डील है। डिंजी वहीं खड़ा रहता है और अगले दिन वो वापस जाता है। तो थैंक यू, इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। तो अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।